आज का हमारा विषय है पोषण, पोषक तत्व, शाकाहार एवं संतुलित आहार और उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, और ये भोजन जो है वो हमारे पाचन तंत्र द्वारा जब पचा दिया जाता है तो उससे जो पोषक तत्व निकलते हैं वो हमारे शरीर में क्या-क्या कार्य करते हैं और उनकी आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो WHO ने कहा है कि स्वास्थ्य जो है, उन्होंने परिभाषित करते हुए कहा कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट ओनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और एनी एफिमिटी। इसका अर्थ है कि केवल बीमारियों और व्याधियों से छुटकारा ही नहीं, वरन पूर्ण शारीरिक मानसिक शक्तियों का विकास एवं सांसारिक कुशल व्यवहार की क्षमता का आविर्भाव ही स्वास्थ्य है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जब हम शारीरिक स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें आहार जो है वो एक मुख्य घटक होता है। इसीलिए, क्योंकि आहार ही हमें ऊर्जा देता है, आहार ही हमें विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए हम आज आहार से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों के बारे में जानेंगे। पोषक तत्वों को अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मात्रा में आजकल जिसे पोषक तत्व भी मान लिया गया वह है जल। जल के बाद जो पोषक तत्व हैं वो हैं प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, हमारे फैट्स हैं और आजकल फाइबर्स को भी इसी में ऐड कर दिया गया है, तो फाइबर्स हैं। ये सभी पोषक तत्व होते हैं। अगर हम हमारे शरीर के प्रतिशत के हिसाब से देखें तो शरीर में लगभग कुल 8 किलोग्राम के आसपास प्रोटीन होता है, 0.55 कार्बोहाइड्रेट, 6.6 लिपिड्स होते हैं और खनिज पदार्थ 3.30% होते हैं, जबकि जो जल है वो 33.75 kg होता है। अगर प्रतिशत की बात करें तो शरीर में लगभग 65% हमारे जल होता है और बाकी सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है जिसे डेनमार्क के मल्डर नामक एक केमिस्ट्री के विशेषज्ञ ने पाया था या उन्होंने इसको ढूंढा था। प्रोटीन शब्द जो है वो ग्रीक शब्द प्रोटियोस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य है कम फर्स्ट, पहले आना। प्रोटीन का मुख्य कार्य जो है वो है हमारे शरीर के जितने भी अंग प्रत्यंग हैं उनके निर्माण करना, और उनमें कोई टूट फूट आ जाए तो उसको प्रोटीन के द्वारा ही सुधारा जाता है। हमारा जो जेनेटिक तत्व हैं जितने भी, वो सारे प्रोटीन से ही निर्मित होते हैं। हमारे शरीर में प्रोटीन जो है वो उसका जब पाचन होता है तो प्रोटीन का पाचन होके अमीनो अम्ल के रूप में या नाइट्रोजिनस एसिड्स के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है। हमारे शरीर को लगभग 22 प्रकार के एसिड्स, अमीनो एसिड्स चाहिए हैं। उसमें से 10 प्रकार के अमीनो एसिड्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमें हमारी डाइट से मिलते हैं और किसी अन्य जगह से वो नहीं, शरीर उन्हें खुद नहीं बना सकता। बाकी के जो अमीनो अम्ल हैं उनको बॉडी खुद भी बना सकती है और हम प्रोटीन डाइट से भी ले सकते हैं। प्रोटीन जो है उसका मुख्य उपयोग जो है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमारे शरीर में होने वाली सभी प्रकार की टूट फूट को सुधारना ही इसका मुख्य कार्य होता है। हमारे शरीर में जितने हार्मोन बनते हैं उनकी उनको बनने में भी प्रोटीन का विशेष सहयोग रहता है। सभी प्रकार के जो एंजाइम्स हैं उनका जो मॉलिकन्स है, जो फंडामेंटल बेस है वो भी प्रोटीन ही होता है। इसके अलावा जितने भी प्रकार के हमारे जेनेटिक सब्सटेंस बनते हैं वो प्रोटीन की सहायता से ही बनते हैं। शरीर में जो द्रव्य वितरण व्यवस्था है उसको नियमित करना भी
प्रोटीन का ही काम है। अगर हमारे शरीर में प्रोटीन का अभाव हो जाए तो हमारे शरीर का जो वृद्धि और विकास है वो धीमा पड़ जाएगा, हमारे उम्र के अनुपात में शरीर का विकास नहीं हो पाएगा। मांसपेशियां जो हैं, क्योंकि वो प्योरली प्रोटीन से बनी हुई होती हैं, तो उनमें शिथिलता आ जाएगी, शरीर में निस्तेजता आ जाएगी, त्वचा सूखने लग जाएगी, झुर्रियाँ पड़ जाएगी, स्थान स्थान पर सफ़ेद दाग हो जाएंगे, रक्तहीनता आ जाएगी, चिड़चिड़ापन, क्रोध आदि, नाखून, बाल आदि सूखना, ऐसी ऐसी समस्याएं आने लगी। साथ ही साथ हमारा जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है वो भी कमज़ोर होने लग जाएगा। मुख्य रूप से अगर हम भोजन के साथ बात करें तो प्रोटीन जो है वो सबसे ज़्यादा दालों में, दलहन में पाया जाता है। दाल के अलावा दूध में प्रोटीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और जितनी भी हरी साग सब्जियां हैं उनमें प्रोटीन पाया जाता है, हमारे जितने भी प्रकार के अनाज हैं उन सभी में प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के बाद जो दूसरा मुख्य अवयव है उसे वो है विटामिन। विटामिन जो है वो हमें मुख्य रूप से ताज़ा सब्जियां, जो हरी पत्तेदार सब्जियां हैं उनसे मिलता है, ताज़े फलों से मिलता है, दूध से मिलता है, दही से या दूध से निर्मित अन्य पदार्थों से मिलता है। विटामिन जो है वो हमारे शरीर में आवश्यकता तो उसकी मात्रा की आवश्यकता तो बड़ी कम होती है, परंतु वो हमारे शरीर की जितनी भी क्रियाएं हैं उनको चलाने के लिए अत्यंत आवश्यक पदार्थ होता है। और लगभग सभी प्रकार के विटामिन हमें रोज चाहिए होते हैं, क्योंकि इसमें शरीर में इनके संचय करने की ऐसी कोई व्यवस्था शरीर में नहीं है, इसलिए हमारे को रोज भोजन में जितने विटामिन हैं उन सभी विटामिनों की आवश्यकता पड़ती है। हमें पता इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि बहुत कम मात्रा में वो आवश्यक होता है, और उतनी मात्रा हम लगभग हमारे भोजन से प्राप्त कर लेते हैं। मुख्यतः विटामिन्स को हम दो भागों में विभाजित कर देते हैं, एक है वसा में घुलनशील जिसे फैट सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं, और दूसरा है जल में घुलनशील जिन्हें हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स कहते हैं। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं उनमें मुख्य रूप से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं, जबकि जो वाटर सोल्यूबल हैं, वाटर सोल्यूबल जो हैं उनमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जिसमें थायमीन, राइबोफ्लाविन, नियोसिन, कोबालामिन आदि आदि, फॉलिक एसिड, फॉलेजिन वगैरह आते हैं। इसके साथ साथ विटामिन सी जो है वो भी जल में घुलनशील विटामिन होता है। इनका कहने का अर्थ यह है कि वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील विटामिनों में अंतर इनके मूल स्वभाव के कारण ही है। एक जो है वो हमारे शरीर में यकृत में संचित हो जाता है, जबकि दूसरी प्रकार के जो हैं वो उनकी अतिरिक्त मात्रा जो है वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाती है। जो पानी में घुलनशील होते हैं वो मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं। जो वसा में घुलनशील हैं उनकी कमी के जो लक्षण हैं वो देरी से प्रकट होते हैं, क्योंकि वो हमारे लीवर में स्टोर होते हैं, उनसे निकल के काम आते रहते हैं। जबकि जो जल में घुलनशील विटामिन हैं उनकी कमी तुरंत प्रकट हो जाती है, क्योंकि एक्स्ट्रा जो हम खाते हैं वो हमारा मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है। जो वसा में घुलनशील हैं इसमें केवल कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन होते हैं, और इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा और अणु नहीं होते, जबकि जो जल में घुलनशील हैं उसमें नाइट्रोजन आदि अणु भी होते हैं। तो सबसे पहले हम वसा में घुलनशील विटामिन की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट है विटामिन ए। ये जो है ये हमारे शरीर में यह नाक, कंठ, श्वसन तंत्र आदि जो है या आँखें जो हैं इनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। इसकी उपस्थिति से ही हमारी त्वचा बिल्कुल साफ और चिकनी, जो त्वचा में चिकनापन है वो महसूस होता रहता है। ये इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है, और मुख्य रूप से विटामिन जो ए है उसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर आदि आदि। विटामिन बी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन है। यह विटामिन समूह जो है उसमें कई प्रकार के विटामिन आते हैं, इसीलिए इसको बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इनकी प्राय सभी प्रकार की जो खाद्य वस्तुएं हैं उनमें यह विटामिन पाया जाता है, जैसे जितने भी प्रकार के फल हैं या आदि हैं, जैसे मौसमी है, अंगूर है, टमाटर, संतरा आदि, बादाम है, गेहूँ है, चावल है, हरे पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, अंडा आदि सभी में
विटामिन बी जो है वो पाया जाता है। इसके अलग अलग इसके भाग हैं विटामिन बी के, जिसमें फर्स्ट है विटामिन B1 जो हमारे शरीर की तंत्रिका और पेशियों के लिए आवश्यक होता है, और इसकी कमी से हमारे श्वसन तंत्र की जो क्रिया है, श्वसन क्रिया जो है बढ़ जाती है, हाथ पैरों में सूजन आता है, एनीमिया आदि रोग हो जाता है। मूल रूप से इसके कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन बी टू है, यह विटामिन भी जल में घुलनशील है और इसकी कमी के कारण बाल झड़ने लग जाते हैं, पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है, त्वचा पर चकते पड़ने लग जाते हैं, जीभ पर छाले हो जाते हैं, आँखों में जलन होने लग जाती है, होंठ फटने लग जाते हैं, आदि आदि समस्याएं इस विटामिन की कारण होती हैं। और उसके बाद है विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी से पेलेग्रो नामक रोग पैदा होता है। यह विटामिन दूध, खमीर, लीवर, किडनी, एग्स, मीट, मूंगफली आदि पदार्थों में पाया जाता है। इसकी कमी से भी रक्ताल्पता, स्नायु रोग, होंठ व जीभ का फटना आदि, आंतों में सूजन आ जाती है, त्वचा पर चकते पड़ने लग जाते हैं, शरीर में घबराहट रहती है, चिड़चिड़ापन रहता आदि आदि होते हैं। इसके बाद बात करते हैं विटामिन B12 की। विटामिन B12 जो है वो वनस्पतियों में नहीं पाया जाता है, ये जो मांसाहारी है उनमें जो हम विटामिन ये जो लीवर पार्ट होता है उसमें पाया जाता है, और वैसे भी ये शरीर के अंदर भी इसमें इसकी जितनी मात्रा हमारे शरीर को चाहिए हमारा शरीर आंतों के अंदर अपने आप भी इसकी बना लेता है, इसकी कहीं से आपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। इसके बाद फॉलिक एसिड जो है वो सभी पत्तेदार सब्जियों में, खमीर में आदि में पाया जाता है, दुग्ध में पाया जाता है, और ये हमारे शरीर में वृहत लोहित कोशिका नामक रोग को उत्पन्न कर देती है इसकी कमी जो है, क्योंकि फॉलिक एसिड की मदद से ही हीमोग्लोबिन में जो आयरन कंटेंट है वो टिका हुआ रहता है। इसके बाद विटामिन D, यह वसा में घुलनशील विटामिन है, यह सभी लगभग उन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है जिनमें विटामिन A पाया जाता है। ये मूल रूप से हमारे बोन्स के लिए आवश्यक होता है। हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने आप भी ये विटामिन बना सकता है, बाहर से लेने की इसकी आवश्यकता नहीं होती है। इससे इसकी कमी से हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाती हैं। फिर बात करते हैं विटामिन E की। विटामिन E जो है वो भी वसा में घुलनशील है विटामिन है, और ये प्रजनन प्रक्रिया के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से पुरुषों में नपुंसकता और स्त्रियों में बांझपन आने की संभावना होती है। ये अंकुरित अनाज, दूध, मक्खन, मांस, हरी सब्जियां, मेवा आदि में प्रमुख रूप से पाया जाता है। गेहूं जो है वो भी इसका एक प्रमुख सोर्स माना जाता है। इसके बाद विटामिन K। विटामिन K जो है वो हमारे शरीर में जो आते हैं उनमें उपस्थित जीवाणु का से उत्पन्न हो जाता है, और ये शरीर द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसमें हमारे रक्त का थक्का जो जब बनता है जब उसमें ये सहायक होता है, इसकी अनुपस्थिति में हमारे शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसके बाद है विटामिन P। विटामिन P जो है वो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये लगभग सभी हरे पत्तेदार सब्जियों और मुनक्का आदि ड्राई फ्रूट्स में और रसदार फलों में पाया जाता है। विटामिन C, यह विटामिन जो है वो जल में घुलनशील है, और ये जितने भी लगभग खट्टे पदार्थ हैं वो चाहे वो सब्जियां हो चाहे वो फ्रूट्स हो उन सभी में पाया जाता है। ये हमारी हड्डियों व दांतों के लिए बड़ा आवश्यक होता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। इसकी कमी होने पर घाव बढ़ते नहीं हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, दांत कमज़ोर हो जाते हैं, जॉइंट्स के रोग हो जाते हैं आदि आदि समस्याएँ पैदा होने लग जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक होता है। ये लगभग सभी प्रकार के हमारे जो अनाज हैं उन सभी में पाया जाता है। इसके साथ साथ जितने भी मीठे पदार्थ हैं इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट ही वह है जो बाद में पाचन के बाद जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है और हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए यह अत्यंत आवश्यक होता है।
ऊर्जा जो है वो इसी की उपस्थिति ग्लूकोज को तोड़कर ही बनाई जाती है, इसलिए हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता रहती है, क्योंकि हमें जितनी भी ऊर्जा बनानी है वो सारे प्रकार की ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ये सभी सारे के सारे टूट के अलग अलग डेरिवेटिव जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, डेक्सट्रोज है आदि आदि में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं वसा की। वसा जो है वो सभी प्रकार के चिकने पदार्थों में पाया जाता है। ये एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। इस शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न कर ली जाती है और इससे निकलने वाली ऊर्जा बहुत अधिक है। एक अणु से निकलने वाली ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से निकलने वाली ऊर्जा से कई गुना ज़्यादा होती है इसलिए। और हमारे शरीर में जितने भी कोशिका झिल्लियाँ हैं उन सब के निर्माण में वसा काम आती है। हमारे शरीर को लगभग 1 से 1.5 चम्मच वसा की ही आवश्यकता होती है, जो हमारे शरीर को लगभग अलग अलग प्रकार के भोजनों से मिल जाती है। हमें एक्स्ट्रा वसा खाने की आवश्यकता नहीं होती है। मुख्य रूप से सभी तेलीय पदार्थों में, दूध में, मेवों में, पनीर आदि में ये पाया जाता है। और हमारे जितने भी भोजन हम कर रहे हैं उनमें लगभग सभी में वसा पाई जाती है। वसा ही आगे चल के जब लिपिड जो है जब रिएक्शन करके और प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है तो वो लाइपोप्रोटीन बन जाता है, वही बाद में कार्बोहाइड्रेट का रूप लेता है। तो इस प्रकार से वसा जो है वो हमारे शरीर में बाहर से मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिले बाहर से तो शरीर वसा का कार्बोहाइड्रेट को वसा में चेंज करने में सक्षम होता है। इसके बाद बात करते हैं हम खनिज लवण की। हमारे शरीर में खनिज और लवणों की बहुत अत्यंत आवश्यकता होती है। लगभग 20 प्रकार के खनिज तत्व हमारे शरीर में मौजूद हैं, जिसमें सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है, जिंक है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है आदि आदि। ये जो है इनको हम मूल रूप से दो भागों में बांट लेते हैं, एक वो कि जिनकी आवश्यकता बहुत अधिक मात्रा में होती है, एक वो जिनकी आवश्यकता बहुत कम मात्रा में होती है। जितने भी प्रकार के ये मिनरल्स हैं वो लगभग सभी प्रकार के अनाजों में, दूध में, अंडा, मांस, मछली, मेवा और हरी सब्जियां, फल आदि सभी में पाया जाता है। इनके सबके अलग अलग कार्य हैं। जो जैसे उदाहरण के लिए कैल्शियम जो है वो अस्थियों का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि करता है। वहीं फॉस्फोरस जो है वो भी इसमें हड्डियों की वृद्धि में सहायक होता है। सोडियम आदि है वो अम्ल को संतुलन करता है। आयरन जो है हमारे रक्त का निर्माण करता है आदि आदि, ये सभी कार्य इनके होते हैं। उसके बाद जो मुख्य स्रोत है वो है, मुख्य पोषक तत्व है वो है जल, जो हमारे लगभग शरीर का 65% भाग बनाता है। और व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 4 से 5 लीटर जल की आवश्यकता होती है। जल के लिए विशेष ये बात है कि जो हम जल लेते हैं उसमें बहुत सारे खनिज भी घुले हुए होते हैं, मिनरल्स भी उसमें मिली हुई होती है। तो हमें एक विशेष प्रकार से तैयार जल की आवश्यकता नहीं है। जो हमें कूपों आदि से जो जल प्राप्त होता है वो जल हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम होता है। हाँ, अत्यंत भारी जो जल होता है जिसमें बहुत सारे लवण ज़्यादा मिले हुए होते हैं वो हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता है। जल के मुख्य उपयोगिता है कि वो हमारे शरीर में जितनी भी प्रकार की क्रियाएं होती हैं उनको बेस प्रोवाइड करता है। जल को इसीलिए यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा गया है। जितने भी प्रकार के हमारे हार्मोन, एंजाइम आदि सब बन रहे हैं उन सभी का जो बेस है वो जल है, तो उसके लिए आवश्यक है। शरीर की जितनी भी कोशिकाएँ हैं उनके साइटोप्लाज्म में पाया जाने वाला जल, तो उसको भी जल पूरा पूर्ण रूप से मिलता रहे। हमारे रक्त जो है उसको बहने में रक्त जल सहायता करता है। हमारे जितने भी प्रकार के रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं शरीर के अंदर उसमें जल भी एक घटक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा चयापचय से संबंधित जितने भी कार्य हैं, पाचन से संबंधित जितने भी कार्य हैं, उन सब में जल हमारे शरीर को सहायता करता है। इसके साथ साथ शरीर का जो तापमान है उसको नियंत्रित करने का कार्य भी जल द्वारा होता है। आपने देखा होगा जब गर्मी होती है तो पसीना आता है, तो वो पसीने में जल ही बाहर निकलता है जो हमारे स्किन पे एक फिल्म जैसा बना देता है। जब हवा उससे टकराती है तो शरीर ठंडा हो जाता है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि रेशेदार पदार्थ।
रेशेदार्थ पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में सीधे पसते नहीं हैं, परंतु ये जो पदार्थ हैं ये हमारे शरीर में जो आंतों में जब भोजन आगे चलता है तो उसके जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं उनके कारण जो भोजन आगे खिसकता है। अगर भोजन में रेशेदार पदार्थ होंगे तो वो आसानी से खिसक जाता है, अगर रेशेदार पदार्थ होंगे कमी होती है तो वो धीरे धीरे खिसकता है, जिसके कारण कब्ज आदि समस्याएं हो जाती हैं। जितने भी फल हैं, जितने भी प्रकार के ये सलाद सैलड्स हैं जो हम खाते हैं, उन सभी में ये फाइबर्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिशन हो गया, न्यूट्रिशन के बाद हम बात करते हैं कि हमारे शरीर को कौन से भोजन की आवश्यकता है। तो अगर हम शरीर के बनावट की बात करें तो हमारा शरीर दोनों ही प्रकार के भोजन को पचाने में या लेने में सक्षम है, चाहे वह शाकाहार हो चाहे वह मांसाहार हो। परंतु अगर हम बात करें कि हमें अगर दोनों भोजन पदार्थ भोज्य पदार्थ अगर हमारे सामने उपस्थित हैं तो हमें कौन सा भोजन करना आवश्यक होता है, तो इस स्थिति में मैं आपको शाकाहार की सलाह दूंगा। उसके बहुत सारे कारण हैं जिनके एक एक कारण को हम लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मांसाहार की, कि जब मांसाहार की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जितने भी प्रकार के रोग जानवरों में पाए जाते हैं लगभग वो सारे रोग इंसानों को हो सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि अगर कोई जानवर जिसका मांस हम खा रहे हैं अगर वह बीमार है तो, और अगर हम उसका मांस खाते हैं तो उस स्थिति में वो रोग हमारे शरीर में भी आ सकता है। आपने फ्लू के उदाहरण देखे होंगे, जितने भी प्रकार के फ्लू आते हैं वो सारे जानवरों से ही हमारे अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड थिंग, जब जानवरों को मारा जाता है तो उस समय वो अपने आप को बचाने के लिए फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन जो होता है उसके तहत उनके शरीर में बनने वाला जो एड्रेनलिन हार्मोन है वो उस मांस के साथ मिल जाता है। उस एड्रेनलिन का और हमारे बॉडी में बनने वाले एड्रेनलिन हार्मोन दोनों का जो रासायनिक संरचना है वो समान है। तो इस स्थिति इससे हम कह सकते हैं कि जब हम शरीर में सीधा एड्रेनलिन खाएंगे तो शरीर में उत्तेजना होती है, तो इसीलिए जो मांसाहारी लोग हैं वो थोड़ी आवेश जल्दी होते हैं, आक्रोशित होते हैं, और मांसाहार में एड्रेनलिन की उपस्थिति जो है वो शरीर में म्यूकस के स्राव को कम कर देती है और अम्ल के स्राव को बढ़ाती है। तो मांसाहार करने वालों को लगभग एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस आदि समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम दूसरी बात दूसरा पक्ष रखें, तो धार्मिक पक्ष रखें, तो हम जानते हैं कि पशुओं की हत्या हिंसा के अंतर्गत आती है, तो अगर हम शाकाहार करते हैं तो उस प्रकार की हिंसा से भी हम बच सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिक रीज़न की, तो आज मांसाहार जो है वो बहुत महंगा भी होता है जबकि शाकाहार जो है वो बहुत सस्ता पड़ता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों तीनों दृष्टियों से ही जो शाकाहार है वो हमारे शरीर और हमारी व्यवस्थाओं के आदि के लिए ज़्यादा अच्छा है, जबकि मांसाहार इन व्यवस्थाओं को बिगाड़ भी सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं भोजन जो है, भोजन में जो संतुलित आहार है उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि संतुलित आहार वो आहार है जिसमें पूर्ण मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, मिनरल्स, जितने ही प्रकार के साल्ट्स हैं आदि उतनी मात्रा में हो जितनी मात्रा में हमारे शरीर को आवश्यक होता है। हमारे शरीर में भोजन के लिए आचार्य श्री ने, संतुलित आहार के लिए आचार्य श्री ने कहा है कि मिताहार। मिताहार का यहाँ अर्थ सिर्फ कम भोजन से तात्पर्य नहीं है। साधारण रूप से अगर मिताहार का अर्थ देखें तो कि थोड़ा खाओ वो मिताहार है, जबकि यहाँ हम अगर मिताहार की विवेचना करें तो हम पाते हैं कि मिताहार वह है जो हमारे हित के लिए है, मीन्स हमारे शरीर के लिए है ताकि उसमें सारे प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हों और हमारे शरीर के जो अम्ल और क्षार का बैलेंस है वो सही रख पाए, और उतनी ही मात्रा में करें जितनी मात्रा में शरीर को आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मिताहार जो है वो एक
संतुलित आहार के लिए बहुत बढ़िया उदाहरण हो सकता है। बाकी जो आहार तालिका है उससे हम देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में क्या 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 पदार्थ खाने चाहिए। मुख्य बात यह है कि संतुलित आहार का अर्थ है कि उचित पदार्थ, उचित खाद्य पदार्थ को खाएं, उनकी बनाने की प्रक्रिया सही हो, सभी भोजन तत्व जितने भी प्रकार के न्यूट्रिशंस हैं उसमें मौजूद हों, उसको उसके अंदर किसी प्रकार के रोगाणु जीवाणु विषाणु ना हो, वो भोजन बासी ना हो, उसको खाने से शारीरिक और मानसिक सुख मिलता हो, उस प्रकार का भोजन जो है, और साथ ही साथ हमारे किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाए, वह भोजन एक सही रूप में संतुलित आहार हो सकता है। तो ये जो आज हमने चर्चा की वो थी आहार की। अब इसके बाद बात करते हैं हम उपवास की, कि आहार ही आहार क्या, अगर हम लगातार लगातार खाते ही खाते जा रहे हैं तो हमारे शरीर को शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको समय नहीं मिल पाता है कि वो अपनी टूट फूट को भी सुधार सके। तो उसके लिए एक सबसे सर्वोत्तम उदाहरण है वो है उपवास का। जैन अगर धर्म ग्रंथों आगमों की हम बात करें तो वहाँ एक शब्द आता है निर्जरा। निर्जरा का अर्थ होता है कि कर्म संस्कारों से मुक्त होना। तो उपवास जो है वो बहुत सारे कर्म संस्कारों से हमें मुक्त करता है। जैसे कि अगर हम खाएंगे नहीं तो खाने के लिए हमें भोजन बनाना भी नहीं पड़ेगा। जब भोजन बनाएंगे नहीं तो न वनस्पतियों को नष्ट करेंगे, न किसी प्रकार के वायु कायिक जीवों की हत्या होगी, न अग्नि कायिक जीवों की हत्या होगी, न जल कायिक जीवों की हत्या होगी। तो इस प्रकार से हम कई प्रकार की हिंसाओं से भी उपवास से बच सकते हैं। वैज्ञानिक तथ्य को अगर हम देखें तो उपवास जो है वो एक बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। उपवास के साथ साथ हम बात करते हैं तो उपवास से हमारे शरीर में संयम आता है। संयम, सभी प्रकार के संयमों की बात उपवास के साथ जुड़ी हुई है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास करने के जो तरीके बताए गए हैं, जो एक उपवास का आदर्श तरीका बताया गया है कि किस प्रकार से भोजन की मात्रा को धीरे धीरे कम किया जाए और फिर हम उपवास पे जाएं और फिर वापस उपवास को पूरा करें, तो धीरे 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 करते हुए करें, तो उस अगर साइंटिफिक वे से हम उपवास करते हैं तो हम बहुत सारे रोगों से भी अपने आप को बचा सकते हैं। इसका एक स्पष्ट उदाहरण जो हम ले सकते हैं कि हमारे घर में अगर हम कोई किसी भी प्रकार का पशु जो है अगर हम उसको पालते हैं तो हमें वो पशु बीमार है या स्वस्थ है इसका आकलन सबसे पहले भोजन से पता चलता है। पशु के अगर किसी भी प्रकार का कोई रोग होगा तो वो सबसे पहले भोजन को त्याग देता है। उसका एक और उसका वैज्ञानिक कारण भी हमें समझ में आता है कि जिस समय हमारे कोई किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन बॉडी में प्रवेश करता है तो उस समय शरीर को अत्यधिक मात्रा में अत्यधिक ऊर्जा उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए चाहिए। अगर हम उस समय भोजन करते हैं तो वो मात्रा जो भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है उस भोजन को पचाने में जब ऊर्जा खर्च हो रही है तो उस समय वो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कमजोर पड़ जाती है, उस वहाँ पूरी ऊर्जा नहीं मिल पाती, तो पूर्ण रूप से हम उस हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो उस फॉरेन पार्टिकल को समाप्त नहीं कर सकती। दूसरी बात अगर हम विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म की बात करें तो चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जैन हो, चाहे वो इस्लाम हो, इन सभी ने उपवास को महत्व दिया है। क्योंकि उपवास जो है वो हमारे एक तो कर्मों का क्षय करता है, दूसरा हमें संयमित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, वो चाहे मन का संयम हो, चाहे वाणी का संयम हो, चाहे शरीर का संयम हो। इसके साथ साथ उपवास जो है वो कई प्रकार के जो हमारी टूट फूट जो बॉडी में आ रही है या हम कह सकते हैं कि कई प्रकार की जो पाचन संबंधी समस्याएं आ रही हैं उनको ठीक करने में सहायता करता है। उपवास जो है वो बहुत से रोगों में भी हम काम में ले सकते हैं। पुराने उदाहरण को देखें तो जब हम एलोपैथिक सिस्टम भारत में उतना मौजूद नहीं हुआ करता था तो उस समय क्या करते थे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया, जैसे उसको किसी को पेट से संबंधित समस्याएं हो गई, पाचन क्रिया से संबंधित समस्याएं हो गई, तो उनको 5 से 7 दिन तक उपवास पर रख दिया जाता था।
उस उपवास काल के कारण उन उपवास काल में ही उनके वो सारे रोग ठीक हो जाते थे। तो अब बात करते हैं कि उपवास में हम क्या सावधानी रखें और अवधि कितनी। अवधि उपवास की 2 से 7 दिन तक हम रख सकते हैं। लगभग 2 से 3 दिन का उपवास अत्यधिक लाभदायक होता है। एक साथ लंबे उपवास न करें। मुख्य सावधानियां यह रखें कि जो भोजन के समय होते हैं उन भोजन के समय हम लगातार जल का सेवन करते रहें, जिससे क्या है कि हमारे शरीर में जो एसिड्स वगैरह, पाचन रस वगैरह जो बनते हैं वो उस जल के साथ घुलकर हमारे शरीर के आंतों में चले जाएंगे, वरना वो जो एसिड्स हैं वो हमारे शरीर की भीतरी त्वचा को भी जला सकते हैं। तो आज हमने न्यूट्रिशन और शाकाहार और उपवास के बारे में पढ़ा। बाकी चर्चाएं हम अगले लेक्चर में करेंगे।